नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय सभा में निर्वाचित 19 सदस्य के शपथ ग्रहण संपन्न। 20 सदस्य सबकी पदावधि शुक्रवार से समाप्त। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल आज मध्य प्रदेश के भ्रमण खातिर जनकपुर धाम में, मुख्यमंत्री राउत द्वारा स्वागत। नेपाल में वैशाख से मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम पूर्ण संचालन होगी। मोबाइल भुलैला पर या चोरी भैला पर भी MDMS उपयोग होगी। सिंगापुर द्वारा रूस पर प्रतिबंध की घोषणा। रूसी सामान आयात सीमित करेंगे लगायत बैंक में भी प्रतिबंध। और ICC क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत UAE में होने वाला एक दिवसीय सीरीज की तैयारी खातिर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका जा रहा। आपूरा समाचार। राष्ट्रीय सभा में निर्वाचित 19 सदस्य लोग से शपथ ग्रहण कैल बा। सिंहदरबार स्थित कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति के हॉल में अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा सदस्य सबके शपथ ग्रहण करा के बैच वितरण कैले बानी। राष्ट्रीय सभा में नेपाली कांग्रेस से 6 जने, नेकपा माओवादी केन्द्र से 5 जने, नेकपा एकीकृत समाजवादी से 5 जने, उहिलेखा नेकपा एमाले जनता समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनमोर्चा से 1-1 जने सदस्य निर्वाचित भइल रहने। सरकार के सिफारिश में राष्ट्रपति से 1 जने सदस्य मनोनीत होके के बाकी बाटे। नेपाली कांग्रेस से गोपाल कुमार बस्नेत, कृष्ण प्रसाद पौड़ेल, कमला पंत, युवराज शर्मा, दुर्गा गुरुंग और नारायण दत्त मिश्र। उहिलेखा माओवादी केन्द्र से उर्मिला अर्याल, भुवन बहादुर सुनार, सुरेश आली मगर, नरबहादुर बिष्ट और जगत बहादुर पार्की राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भइल बानी। उहिलेखा एकीकृत समाजवादी से जयंती देवी राय, गोमा देवी तिमिल सिन्हा, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, उदय बहादुर बोहरा और मदन कुमारी शाह गरिमा निर्वाचित भइल बानी। नेकपा एमाले से सोनाम गिलजैन शेर्पा, जनता समाजवादी पार्टी से मोहम्मद खालिद और राष्ट्रीय जनमोर्चा से तुल प्रसाद विश्वकर्मा भी राष्ट्रीय सभा सदस्य में निर्वाचित भइल बानी। दोसर 1 जने मंत्री परिषद के सिफारिश में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होके हैं। गोला प्रथा के आधार में 4 साल के कार्यकाल पूरा कैल 20 सदस्य सबके पदावधि काल्हू से समाप्त भइल हा। राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष तिमिल सिन्हा द्वारा सिंहदरबार नजदीक के एक होटल से ओ सांसद सबके विदाई कैल गेल रहे। तत्कालीन पंचायती व्यवस्था के विरुद्ध में मोर्चाबंदी कैल आरोप में मारल गेल कम्युनिस्ट योद्धा सबके याद में 49वां श्रद्धांजलि सभा संपन्न भइल बा। तत्कालीन पंचायती सरकार द्वारा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, बीरेन राजवंशी, कृष्ण कुंकेल और नारायण श्रेष्ठ 5 जने के इलाम और झापा के सीमाना में पड़े वाला सुखानी के जंगल में ले जाके हत्या कैला बाद ई घटना सुखानी कांड के नाम से चर्चित बाटे। विक्रम समत 2029 साल फागुन 21 कते अर्थात 49 वर्ष पहले हत्या करके शहादत प्राप्त भेल याद में शनिचर के सुखानी शहीद स्मृति प्रतिष्ठान नेपाल, नेत्र विक्रम चंद विप्लव नेतृत्व के नेकपा और अन्य कम्युनिस्ट पार्टी सब द्वारा काठमांडू में श्रद्धांजलि सभा के कार्यक्रम आयोजना कैल गेल हा। प्रतिष्ठान द्वारा उहां सबके याद में निर्माण कैल गेल इलाम और झापा के सीमाना में पड़े वाला घटनास्थल के शहीद स्मारक में माल्यार्पण करके सम्मान कैल गेल बा। सरकार द्वारा कम्युनिस्ट आंदोलन के ऊंचाई में पुगावे वाला झापा विद्रोह संगे हत्या कैल गेल उ लोग के सरकार द्वारा 2072 फागुन 18 गते शहीद घोषणा कैल गेल रहे। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्ण चंद्र नेपाली पोखरेल शनिचर के मध्य प्रदेश के भ्रमण में जनकपुर धाम आप पहुंचल बानी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत के निमंत्रणा में गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल पर्यटन व्यवसायी और उद्योगी के टोली के साथ जनकपुर धाम पुगल बानी हा। दोनों प्रदेश के बीच आंतरिक पर्यटन प्रवर्धन, अंतर प्रदेशीय समन्वय और सहकार्य खातिर भ्रमण फलदायी होके के गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री कृष्णचंद्र नेपाली पोखरेल जानकारी दिले बानी। शनिचर के जनकपुर धाम पुगल मुख्यमंत्री पोखरेल के प्रदेश सरकार के पर्यटन उद्योग तथा वन मंत्री शत्रुघ्न महतो और जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ सहित पर्यटन व्यवसायी लोग द्वारा विमानस्थल में स्वागत कैल गेल रहे। विमानस्थल से प्रदेश सरकार के मुख्यालय पुगल मुख्यमंत्री पोखरेल के प्रदेश सरकार प्रदेश के मुख्यमंत्री राउत द्वारा स्वागत कैल गेल रहे।
भोजपुरी समाचार में आप छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। अवैध रूप में नेपाल भित्रल मोबाइल नियन्त्रण खातिर स्थापना कैल गेल मोबाइल डिवाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS वैशाख से पूर्ण संचालन में आवे के जनावल गेल बा। बीतल साउन से ही लागू करे के तैयारी कैला पर भी आवश्यक उपकरण आ ना पहुँचल कारण MDMS प्रयोग में आवे ना सकल रहे। MDMS खातिर आवश्यक इम्पोर्टर मॉडल संचालन में आ चुकल और कस्टमर मॉडल संचालन के तैयारी में रहल नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल जानकारी देने। नेपाल में अवैध रूप में मोबाइल भित्रल और ओसे राजस्व भी गुमल ठहर करत सरकार द्वारा चालू आर्थिक वर्ष के बजट में ही MDMS लागू करे के घोषणा कैल गेल रहे। MDMS लागू हो चुकला बाद मोबाइल भुलैरा पर अथवा चोरी भैला पर भी ओके सहजे पत्ता लगा सके के जनावल गेल बा। ओहि लिखा अवैध रूप में भित्रल मोबाइल के MDMS प्रणाली से निस्तेज कर सकल जाए। प्राधिकरण के अध्यक्ष खनाल डिजिटल डिवाइड अंत करेला प्राधिकरण से कोच के प्रयोग मार्फत पूर्वाधार निर्माण हो रहा भी जानकारी देने। दूरसंचार सेवा के लागत घटावेला और ये के सर्वसुलभ बनावेला पूर्वाधार सह प्रयोग में जाए के और ये कर के दर भी घटावेला आवश्यक रहल बतौले बानी। कोयलिका प्राधिकरण द्वारा सेवा ग्राही के गुणस्तर संबंधी अनुभव संकलन खातिर छुट्टे ऐप सार्वजनिक कैल गेल बा। NTAQOE नामक उक्त ऐप के संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर का की उद्घाटन कैले रहने। ओहि लिखा USST और कल मार्फत भी गुणस्तर सर्वेक्षण में सहभागी हो सके के सुविधा प्राधिकरण शुरू कर चुकल बा। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा नेपाल में कम्युनिस्ट सबसे उत्तेजना के राजनीति कैल आरोप लगौले बानी। सुक्के कास्की में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करत महामंत्री थापा MCC प्रकरण मांग के देश चली कह के आवाज उठावे वाला के परिवार ही अमेरिका में रहल और विदेश में इलाज कैल टिप्पणी भी उहां के कैने। वहां के MCC समझौता में कम्युनिस्ट लोग से दोहरा भूमिका खेल के जनता के उत्तेजित बनावल आरोप भी लगौनी हा। माले मंडले मसाले के भन्नुको कारण के हो भने माले मंडले मसाले को क्यारेक्टर भनेकै उत्तेजनाको राजनीति गर्ने विस्तारवाद र साम्राज्यवाद परास्त नहुने बेलासम्म हैजानीको हुन्न भनेर यो क्यारेक्टर एउटै उसले तपाईँले के कस्तो बनाइदिन्छ तपाईँ यहाँ बसिरहेको बेलामा तपाईँ अहिले बाहिर गएर सुन्नुभयो भने एउटा आउँछ अमेरिकी सेना आउँछ अब परेड खेल्छ कमरेडहरू भनेपछि बाप्रे बाप उठेर अहिले गइहाल्नु लड्न सक्छ कहाँ आयो डाँडामा आइकन आएको कता आइसक्यो माथि चाहिँ आइसक्यो कि जस्तो लाग्छ यति सजिलोसँग उचाल्न सकिन्छ तपाईँलाई तपाईँलाई सडकमा अहिले म यहाँबाट उचालेर म सँगसँगै लागेर भिडियो जाने बनाइन्छु। स्थानीय तह के निर्वाचन में तालमेल करी कि ना करी कहवाला विषय स्थानीय कमेटी के ही भइल बतावत केंद्र से तालमेल के निर्णय ना करे के भी वहां के स्पष्ट कइने। जम्मा एउटा गाउँपालिका जितेका छौं कास्की जस्तो ठाउँमा यत्रो कांग्रेस संगठन गरे गजब भएको ठाउँमा केटेगरी गाउँ छ यहाँ यस्तो गजबको संगठन छ यस्तो समर्पित पार्टी कम्पनी छ यहाँ यो पटक चाहिँ समर्पणको यसको भ्यालु कहाँ क्रिएट गर्नु पर्यो भने चुनावको नतिजा मात्रै हो। यो पटक पोखराको नगरपालिकामा काङ्ग्रेसको चार तारे झन्डा गाड्यो भन्ने सङ्कल्प राखियो भने जसरी पनि गाड्यो सङ्कल्प राख्यो भने को उम्मेदवार बन्ने भनेर गाउँ हुन्छ घोडामा पनि त्यही यसबाट धेरै हिसाब किताब नगरौँ। महामंत्री थापा संसद के अवरोध कायम रहला पर अघन से पहले ही संसदीय चुनाव हो सके के भी बतौले बानी। महोत्री जिला के मटिहानी बाजार में सनिचर के सवेरे 5 दुकान में आग लागी भइल बा। स्थानीय जगदीश प्रसाद गुप्ता के दुतल्ला घर में सनिचर के सवेरे 7 विद्युत शॉर्ट होके आग लागी भइल रहे। आग लागी से मटिहानी नगर पालिका साथ रहे वाला भोला कुमार महतो से संचालन कैल गेल सीता किराना दुकान के भीतर रहल 25 लाख बराबर के माल वस्तु जर के नष्ट भइल जिला प्रहरी कार्यालय महोत्री जनौले बा। महतो के दुकान संगी सटल RN ऑडियो नेपाल मैक्स टिलर समेत रेडीमेड और शत्रुघ्न ठाकुर द्वारा संचालन कैल गेल नाम ना खुलल सैलून और दुतल्ला भवन के विभिन्न कोठरी में भी आगलागी होके जम्मा 1.5 करोड़ बराबर के धनमाल जर के नुकसानी भइल बा। करीब 2 के बाद स्थानीय बासिंदा सशस्त्र प्रहरी और नेपाल प्रहरी के सहयोग में आगे नियंत्रण में लिहल गेल रहे। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा पांच वर्षे रणनीतिक योजना तैयार कल गेल बा 2022 से 2026 तक ओ रणनीतिक योजना से केन्द्रीय बैंक के अगला पांच साल के समग्र कार्य और रणनीति तय होगी। सन 2006 से रणनीतिक योजना बनावे के शुरू कल राष्ट्र बैंक के ई चौथा रणनीतिक योजना है। रणनीतिक योजना अगला पांच बरस खातिर राष्ट्र बैंक के रोडमैप होके के राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी उल्लेख कले बानी। केंद्रीय बैंक द्वारा बैंकिंग पद्धति प्रति के विश्वास के पुनर्स्थापना करे खातिर राष्ट्र द्वारा अपेक्षा कैल मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और विकास साझेदार के साथ प्रभावकारी समायोजन करेला और बैंकिंग वित्तीय बाह्य क्षेत्र संगे के स्थायित्व कायम करेला अवलंबन करे पड़े वाला विशेष और नवप्रवर्धनात्मक उपाय ई रणनीतिक योजना में समेटल जानकारी भी देनी। योजना से सात रणनीतिक खम्बा और 183 कार्य योजना के समेटल गलबा। पांच वर्ष से रणनीति अंतर्गत आर्थिक अनुसंधान और मौद्रिक व्यवस्थापन नियमन और अनुगमन बाह्य क्षेत्र के व्यवस्थापन भुगतानी प्रणाली और मुद्रा के व्यवस्थापन उल्लेखा सुशासन सांगठनिक विकास और बौद्धिक व्यवस्थापन पूर्वाधार व्यवसाय के निरंतरता और सहकार्य उल्लेखा समेटन करके सात रणनीतिक खम्बा तैयार कल गेल बा। बैंक द्वारा नोट तथा सिक्का के मांग के प्रक्षेपण कर पर्याप्त आपूर्ति करे के व्यवस्था के साथ ही आधुनिक पूर्वाधार और प्रभावकारी अनुगमन करे के रणनीति भी तय कल गेल बा। उल्लेखा साफ नोट के प्रवाह के जोर देवे के अत्याधुनिक प्रविधि के प्रयोग करत वातावरण मैत्री तरीका से पुरान नोट के व्यवस्थापन रणनीति में समेटल गेल बाटे। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। आईसीसी पुरुष विश्वकप क्रिकेट लीग टू अंतर्गत यूनाइटेड अरब इमिरेट्स यूएई में आयोजना होने वाला एक दिवसीय सीरीज के तैयारी खातिर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका प्रस्थान कर रहल बा। नेपाल क्रिकेट संज्ञान द्वारा नेपाली टोली शनिचर के सवेरे श्रीलंका प्रस्थान करे के जनौले रहे। श्रीलंका में नेपाली टोली श्रीलंका के क्लब के साथ चार अभ्यास खेल खेली। नेपाल से संदीप लामिछाने के कप्तानी में 16 सदस्यीय टोली की घोषणा हो चुकल बाटे। नेपाली टोली श्रीलंका से ही मार्च 14 तारीख में यूएई प्रस्थान करे वाला बा। नेपाल सीरीज में यूएई और पपुआ न्यू गिनी विरुद्ध खेली। उहिलेखा सीरीज के पहलका खेल में नेपाल पीएनजी विरुद्ध खेली। नेपाल और पीएनजी बीच के खेल मार्च 16 तारीख में शारजा क्रिकेट मैदान में होगी। लीग टू अंतर्गत सात टीम सहभागी बाटे। नेपाली टीम में संदीप लामिछाने ज्ञानेन्द्र मल्ल दीपेन्द्र सिंह ऐरी कुशल भुर्तेल आरिफ शेख आसिफ शेख कमल सिंह ऐरी विवेक यादव सागर ढकाल पवन सर्राफ करण केसी विनोद भंडारी रोहित कुमार पौड़ेल सोम पाल कामी विक्रम सोब भीम सार्की बाटे लोग। सर्वाधिक धनराशि के पांचवा मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम खपतड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एगो खेल हो रहा बा। धनगढ़ी रंगशाला में होके वाला खेल में हिमालयन शेरपा क्लब और नव जन जागृति युवा क्लब के बीच भिड़ंत हो रहा बा। खेल अभी जारी बाटे। ए डिवीजन क्लब हिमालयन आज जनजागृति के दोसर चरण में पुगे के चाहेला। जनजागृति भी हिमालयन के हरा के दोसर का चरण में पुगे के चाहेला। इससे पहले प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में मनांग मरस्यांगदी क्लब द्वारा भारत के दिल्ली फुटबॉल क्लब के हरावल गेल रहे। आयोजक सुदूर पश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी से आयोजना कैल प्रतियोगिता में 10 टीम के सहभागिता बाटे। प्रतियोगिता के विजेता के 21 लाख नगद प्राप्त होगी। उपविजेता टोली के 10 लाख नगद प्राप्त होगी। सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी के मोटरसाइकिल मिली त उत्कृष्ट गोलरक्षक डिफेंडर फॉरवर्डर सर्वाधिक गोलकर्ता और प्रशिक्षक के साथ उदयमान खिलाड़ी और फेयर प्ले टीम के जन ही नगद 25,000 प्राप्त होगी। प्रति खेल के मैन ऑफ द मैच के 10,000 प्राप्त होगी के आयोजक जानकारी दिले बड़न। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। राष्ट्रीय सभा में निर्वाचित करने सदस्य के शपथ ग्रहण संपन्न। 20 सदस्य सबके पदावधि सुख से समाप्त। गंडकी प्रदेश के मुख्यमंत्री पोखरेल आज मध्य प्रदेश के भ्रमण में जनकपुर धाम में मुख्यमंत्री राव द्वारा स्वागत। नेपाल में वैशाख से मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम पूर्ण संचालन होगी। मोबाइल घुमेला पर या चोरी भेला पर भी MDMS उपयुक्त होगी। सिंगापुर द्वारा रूस पर प्रतिबंध की घोषणा। रूसी सामान आयात सीमित करे लगायत
बैंक में भी प्रतिबंध। और आईसीसी क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत यूएई में होने वाला एक दिवसीय सीरीज के तैयारी खातिर नेपाली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम आज श्रीलंका जा रहा है। एकरेसाथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।